हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान सिंगल कलर का पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लेने हैं, उसके बाद हम कोई सा भी बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होगा। आप इस पैटर्न को फंदे डालने के बाद भी सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए, पहला फंदा हमने उतार लेना है। धागा अपनी साइड करेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन और चार। ये चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार। ये देखिए, ये चार फंदे सीधे बुन दिए, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच। ये पांच फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन और चार। ये चार फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी साइड। लास्ट में देखिए, एक, दो, तीन और चार। ये चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, लास्ट का एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने सेकंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड। फ्रंट साइड से देखिए थर्ड रो को भी हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये चार फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, चार फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए, फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन और चार। ये चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट चार फंदों में पैटर्न आएगा, तो देखिए इन चार फंदों को हमने ट्विस्ट कर लेना है। पीछे के दो फंदे आगे, आगे के दो फंदे पीछे। तो देखिए फ्रंट साइड की तरफ से देखिए,
ये जो पीछे के दो फंदे हैं इनको राइट नीडल में ऐसे उठा लेंगे, आगे के फंदे ऐसे स्लिप करेंगे और बैक साइड से लेफ्ट नीडल में इन दो फंदों को उठा लेंगे ऐसे। फिर देखिए जो राइट नीडल वाले फंदे हैं इनको भी लेफ्ट नीडल में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। अब इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये चार फंदे हमने सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और पांच, फिर धागा पीछे। देखिए नेक्स्ट चार फंदों में पैटर्न आएगा। तो देखिए पीछे के दो फंदे फ्रंट साइड की तरफ से देखिए ऐसे राइट नीडल में उठा लेंगे, आगे के फंदे स्लिप करेंगे और बैक साइड से इनको लेफ्ट नीडल में उठा लेंगे। फिर देखिए जो राइट नीडल में दो फंदे हैं इनको भी हम लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये चार फंदे हमारे सीधे आ गए, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से सिक्स रो को हमने सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट तीन फंदे हमने ट्विस्ट कर लेने, पीछे के दो फंदे आगे आएंगे और आगे का एक फंदा पीछे जाएगा। तो देखिए ये सेकंड नंबर का फंदा और थर्ड नंबर का फंदा ऐसे आगे की साइड से राइट नीडल में उठाएंगे, ये देखिए आगे का फंदा स्लिप करेंगे और बैक साइड की तरफ से इसको लेफ्ट नीडल में उठा लेंगे। अब देखिए जो ये दो फंदे राइट नीडल में हैं इनको भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और देखिए इन तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फिर देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदे ट्विस्ट कर लेने हैं, आगे के दो फंदे पीछे और पीछे का जो तीसरे नंबर का फंदा है इसको आगे लाएंगे। तो देखिए ऐसे बैक साइड की तरफ से तीसरे नंबर का फंदा राइट नीडल में उठाएंगे, आगे का फंदा ऐसे दोनों फंदों को स्लिप करेंगे और देखिए आगे की साइड से इन दो फंदों को लेफ्ट नीडल में उठाएंगे। फिर देखिए जो राइट नीडल वाला फंदा है इसको भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे, फिर इन तीन फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे उल्टे आ गए, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो पीछे के दो फंदे ये देखिए फ्रंट साइड की तरफ से ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे, आगे का फंदा स्लिप कर लेंगे, आगे का फंदा देखिए बैक साइड की तरफ से ऐसे लेफ्ट नीडल में उठाएंगे और देखिए जो आगे के फंदे राइट नीडल में हैं इनको भी लेफ्ट नीडल में ऐसे शिफ्ट करेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। फिर देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। तो देखिए बैक साइड की तरफ से देखिए तीसरे नंबर का फंदा ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे, आगे के दो फंदे स्लिप करेंगे और आगे की साइड से इनको ऐसे लेफ्ट नीडल में उठा लेंगे। फिर देखिए जो राइट नीडल में फंदा है इसको लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और इन तीन फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो। अब एट्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से एट्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है।
ये देखिए बैक साइड से हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 9th रो। अब 9th रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे। अब देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदे ट्विस्ट कर लेने हैं। तो देखिए ये पहला फंदा छोड़ के ये देखिए सेकंड नंबर का फंदा और थर्ड नंबर का फंदा, इन दोनों को ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे और देखिए आगे का फंदा स्लिप करेंगे और बैक साइड की तरफ से इसको लेफ्ट नीडल में उठाएंगे। अब देखिए जो फंदे राइट नीडल में हैं इनको लेफ्ट नीडल में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, फिर तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये ट्विस्ट करके हमने ये तीन फंदे बुन दिए सीधे। अब देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ पे दो फंदे सीधे बुनने, एक और दो। ये देखिए दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए नेक्स्ट देखिए जो दो फंदे सीधे आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदे ट्विस्ट कर लेने हैं। तो देखिए तीसरे नंबर का फंदा ऐसे बैक साइड की तरफ से राइट नीडल में उठाएंगे, आगे के दो फंदे स्लिप करेंगे और आगे की साइड से इनको लेफ्ट नीडल में उठाएंगे। फिर देखिए राइट नीडल वाला फंदा भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, धागा पीछे। अब देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदों को ट्विस्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का फंदा छोड़ के सेकेंड और थर्ड नंबर का फंदा ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे, आगे का फंदा स्लिप करेंगे और बैक साइड की तरफ से इसको लेफ्ट नीडल में उठाएंगे। फिर देखिए राइट नीडल वाला फंदा ऐसे लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। ये तीन फंदे सीधे आ गए। अब देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदे भी सीधे बुन लेने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदों को ट्विस्ट कर लेना है। तो बैक साइड की तरफ से देखिए थर्ड नंबर का फंदा ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे, आगे के दो फंदे स्लिप करेंगे और इनको आगे की साइड से लेफ्ट नीडल में उठाएंगे। फिर देखिए राइट नीडल वाला फंदा भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे सीधे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 10th रो। अब 10th रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 10th रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए बैक साइड से हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। 11th रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे रिपीट रो, ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, चार फंदे सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन और चार। फिर धागा अपनी साइड, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और पांच, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, लास्ट फंदा सीधा। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। 11th रो में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। 11th रो में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था। 11th रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया। बैक साइड से देखिए जो 12th रो आएगी उसको सेकेंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। 11th रो में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था। 11th रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया। बैक साइड से देखिए जो 12th रो आएगी उसको सेकंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और बन के देखें, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है, आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।